हेलो एवरीवन, माय नेम इज थोरू और आज मेरी मम्मा मुझे नहलाएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देखो कि मेरी मम्मा मुझे कैसे नहलाती है। वैसे तो ये मानू बोल रही है बट कोई बात नहीं गाइस, आज मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो आज हमारा थोर टेक ओवर कर रहा है व्लॉग पे, तो थोर बात मतलब थोर हमारा वीडियो में आएगा और मैं उसकी जगह बोलूँगी। तो चलो भाई चलते हैं। अब मैं नहाने की वेट में बैठा हूँ गाइस। मेरा पानी, मम्मी क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन सा कल कवि बन के घूम रहे हो बालों से? कलर लगा रखे हैं मैंने। जाओ भाई साहब चलो। मेरी मटकी का पानी तैयार हो चुका है, शैम्पू तैयार हो चुका है। रुई लेके आओ भाई, थोड़ी की रुई लेके आओ, करना रुई लगाऊंगी। थोड़ी का कैमरा यहाँ सेट कर देता हूं कि इसके लेवल पे दिखता रहे आप सबको। रुई लाए एक गिलास लेके आओ, एक रुई लाओ एक गिलास लेके आओ, रुई लाओ एक गिलास लेके आओ। अब मैं नहीं नहीं करूंगी, मैं नहीं नहीं करूंगी ना। पहला बात है आज मेरी बेटी का हमारे घर पे, आज मेरी बेटी का पहला बात है मैं हमारे घर पे। ये मेरी बेटी भाग गई, ये मेरी बेटी भाग गई भाई, ये मेरी बेटी शरारती बेटी है, ये मेरी शरारती बेटी है। ये मैंने इसके रोई डाल दी ताकि इसके कन्ना में पानी ना जाए, मेरी बेटी के कन्ना में पानी जा सकता है। हेलो तोरू, इसलिए पहला काम यही किया, अच्छे रुई लगा दी मैं बेटी के और लगे एक्स्ट्रा रुई। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई, मेरा ट्राइपॉड स्टैंड टूट गया और मेरा फोन गिर गया था गाइस। इसका कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो आप? ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट फिर हमारे मन के बताने का एंटिटिक्स है। मेरी रोई दोनों की रोई दोनों रोई बाहर आ चुकी है। ये आपका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा? मैं कोशिश करूँ थी पर मेरा जो मेरा पुराना तरीका है मैं उसी तरीके से ही आऊंगी। मैंने किसी का देखा था, मैं सोचा हो सकता सक्सेस होता होगा पर ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब सब झूठ था। मम्मी मम्मी इज लाइक माय होल लाइफ वाज अ लाइ। आप मतलब देखी थी एक वीडियो में। ये भी शांति से नहाते है, उछल कूद करते हैं। ठीक है बस ये ड्राई कराएंगे ना, ड्राई करूंगा ना नुको मैं। मम्मा मेरे को ड्राई कराएगी ना तब देख लेना मेरे को नुको। अभी मम्मी मेरे को ना सुखा दे भाई। आई मेरा सिर क्यों फोड़ा गाइस? मेरी मम्मी थोड़ी वायलेंट भी है, मेरे मारा देख के मारती है। मम्मी कहीं नहीं मारती है, थोड़ी है मारी तो वायलेंट पायलेंट सब कुछ हुई। चलो भाई, इस थोरी ने बाथरूम से मेरे कमरे तक का सफर तय कर लिया है। का है का इसमें वो मुंह दिखा दे बेटी एक बार तेरा, दिखा दे दिखा दे, देख लिया देख लिया मैं बेटी का मुंह। बस थोड़ी देर बोल चलू उसके बाद ड्रायर करूंगी इसको। भाई साहब सो गए ये तो। उनके बिस्तर बनाए थे ना उनमें से, फार्म वाले बच्चों के भी तो बिस्तर ले रखे है ना। सही है, और थोड़ा जल्दी बड़ा हो जा फिर खुशी खासी से मिलवाएंगे तुझे। जैसा तू बनता जा रहा है ना उसी की तेरे को कंपनी ज्यादा अच्छी लगेगी खुशी की। फिर ड्राइव करके फिर सोगा इसका दिखाऊंगी मैं। सो गया ठंड है आज, ठंड तो नहीं आज, आज अजीब सा मौसम हुआ हुआ है। पहले हमने सोचा था इसे धूप में बिठा लेंगे, मिला के धूप ही नहीं निकली। नहीं निकली तो थी
पांच मिनट के लिए निकली थी धूप, बादल से हो गए थे। और मम्मी ने मेरी चादर धो दी, बोली धूप निकलेगी। अब धूप नहीं निकली, अब क्या करोगे भाई साहब? अच्छा अच्छा, ये मेरी मम्मी ना मस्त, नहीं मेरी मम्मी ना मस्त गलती कर कर के ना ऐसे बात ऐसे करके बात पलट देगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमारी बंदरी को हो चुकी है अभी, ये आराम से सोएगी और अभी इसकी मम्मी आराम से नहाएगी, मम्मी तो दर सुखा के आएगी। गाइस आज मैं काम वाली आंटी है, पता नहीं मेरे घर आती काम वाली आंटियां छुट्टी लेने लग जाती हैं। ये तो छुट्टी लेती तो है बस महीना में उसकी पहले छुट्टी है। नहीं मैं बोल रही हूँ मेरे आते ऐसा होता है कि आंटी काम की छुट्टी ले जाती है, फिर मेरे पे पोछे मरवाती है मम्मी। रोज पोछे मरवाओ, एक दिन मैं कल तो आवेगी देख लेना। अच्छा अच्छा, ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा अच्छा अच्छा, फिक्स कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अगला दिन है और आज हमने ना थोर के लिए थोड़े चेंजेस करे हैं। छोटा बच्चा है और अभी फर्स्ट थोड़ा फिसलने वाला ज़्यादा है ना, तो इसके पैर ज़्यादा फिसलते थे, हमने थोड़े चेंजेस कर दिए। तो मैं आपको चेंजेस दिखा, मेरे वाला रूम पूरा इसके लिए बनाया हुआ है ना, तो इस पर मैंने पहले तो यहाँ पर ये बिछा दी दरी और फिर ये ग्रास मम्मी लाई थी तो ये बिछा दी ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, मतलब इसके पैरों में दिक्कत ना आए, तो अभी पूरे दिन इस पर घूमता रहेगा। दोनों साइड से कवर है, बाकी मैं यहाँ पे एक रग बिछा दूंगी और यहाँ पे एक और दरी बिछा दूंगी, तो मतलब ये सेफ हो जाएगा हर तरफ से, इसको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये बहुत ज्यादा शरारती है इंसान, थोड़ी यहाँ पे थोड़ा तो मस्त खुश हुआ हुआ है अपनी दरी देख देख के। क्या हो गया थोड़ी थोड़ी थोड़ू थोड़ू नहीं, ये इसने एक चीज सीख ली, बेड पे चढ़ते कैसे ये चीज आ गई इसको, मैं पूरा नहीं चढ़ पाता, पैर पूरा रख लेते। चल बेड पे जा अपने, नहीं बेड पे जाओ। बाकी और मैं आपको प्रोसेसेस दिखाती रहूंगी, अभी तो हमने बस यही किया है कि पूरे इधर ग्रास बिछा दी मैंने और यहाँ पे मैंने एक दरी लगाई है। हेलो पापा, हेलो हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन, तीन पर फाइन। देखो पापा जी घर पे आ चुके हैं हमारे, कैसा है आप? फर्स्ट क्लास। मेरे लिए क्या लाए? तेरे लिए मैं लाया हूँ ची चाइनीज, ची चाइनीज शेजवान, शेजवान चिंग्स चाइनीज शेजवान फ्लेवर। ये थोड़े से मिलो थोड़ा, ये क्या ले गया है? ये गाइस थोड़ा ना इसमें मम्मी चेंजेस लगा रही है, मैंने जो बिछाई थी मम्मी सेटिस्फाइड नहीं होती मेरे कामों से, तो सेटिस्फाइड क्या हुआ? आधा यहाँ से खुला छोड़ दिया, आधा यहाँ से छोड़ दिया। छोड़ तो आपने भी दिया यहाँ से, ये तो है नहीं ना, इतना तो है नहीं, टुकड़ा और मंगवाऊंगी। मैंने भी यहीं से छोड़ा था खुला। नहीं जी, तूने तो यहाँ से भी छोड़ रखा था गाइस, जो मैंने यहाँ से सेट कर दिया। ये यहाँ पे मेरे घर में होते रहते, मेरी मम्मी मेरे से कभी खुश होती नहीं। हेलो पापा, देखो कैसे लगा पापा? वहीं पे रख कर दे, हाँ टेबल तो करा ले, एक ये छोटा सा टुकड़ा रह गया, तेरे इस पोर्शन में पोछे का फंडा नहीं रहेगा, वो रह गया। इसे बॉल्स मार ही जाड़ू या बुर्स मार देना। पापा आपके क्या रिव्यूज हैं इस घास पे? सही है, चल के देख के आओ। गाइस आप लोगों ने वो लाइन सुनी है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, मेरा कमरा गार्डन गार्डन हो गया। ये काम है भाई इसका, अब देखना क्या करेगा, ये खाएगा नहीं, ये रखेगा। थोर वाले ही काम है सारे, मेरी चप्पल दे, क्यों तो चप्पल ही बदल ली है, तो मेरी चप्पल खा गया था। दोबारा फिर लेके आ गया, ये कुछ भी उठा लेता है, अब नहीं लाएगा मुझे लग रहा, ना ले होगा लेगा अब उस दरी पर, मतलब रखना अपना बिस्तर पे है, इसमें कुछ भी होता है। आगे आगे अब अपने बेड पे जाएगा। ये आ गया, फिर उठ गया, मम्मी को छेड़ेगा, ये कपड़ा लेगा, मम्मी दरी बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहा। ये बहुत शरारती है, थोड़ी नहीं आएगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा भाई, भाई रुक जा ले, भाई ले
ये भाई लुक जाए, भाई लुक जाए, मम्मी का भाई ले अगर बेटी है मम्मी की, मम्मी का भाई, मम्मी की बेटी है। पापा मम्मी के भाई, आप मम्मी की इन बातों के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सही है, खुश है। आपको आपका लुक कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10। वाओ पूरे नंबर है। हाँ। क्या देखना है? जल्दी देख ले। गाइस मैं भी एक, और मैं इतनी देर से एक चप्पल में घूम रही हूँ, पता भी नहीं लग रहा। ओए बांद्री मटके, ये देख, ये इसका प्लेग्राउंड है भाई, ये रूम इसका सारा, इसका प्लेग्राउंड। मैं बोल रही हूँ मम्मी, वो गाना नहीं है, वो गाना नहीं है, सुन नहीं दी, आप सुनो, वो गाना नहीं है पापा, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा, कमरा गार्डन गार्डन कर दिया। जरूरी है बेटे। अच्छा ये तेरी अलमारी में टांग ले, इसके डोगे के साथ खेल क्या? डोगों के साथ गाइस, डोगा वो होता है जो बूढ़े लोग सारे करके चलते हैं, डोगो। इस तरह से चेंज करना है। हां ये रीजन बताओ कि औरों को भी शिक्षा मिले। रीजन मैडम बताएगी। रीजन यही है कि क्योंकि भाई उनकी बीमारियां वगैरह, छोटा बच्चा है, 3 महीने तक जब इसको बाहर नहीं निकाल रहे, तो इसलिए इसके पापा इसको बाहर के कपड़ों में, फार्म वाले कपड़ों से नहीं मिलते। हाँ, बीमारी उनको कोई है नहीं, मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ। तो इसलिए, और हमारे जूते जो है, ये चप्पल अंदर ही होती है, सारे जूते हमारे बाहर होते हैं। हाँ। ये जूते भी मतलब बाहर वाले जूते अंदर नहीं हो करते बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं और पापा चेंज करके फिर प्यार करेंगे। आप सुंदर लग रहे हो पापा। धन्यवाद। लेकिन ये तेरी मम्मी को समझा ये बात। आपको समझाती हूँ। ए मम्मी, मेरे पापा को ना बोला मत करो, अच्छे नहीं लग रहे, कितने मस्त लग रहे हैं। अच्छा, इंसान का मोरल डाउन कर देती है ये मम्मी। गाइस मेरे पापा की दाढ़ी कैसी लग रही है, और मतलब बाल बूल सब कैसे लग रहे हैं? कटिंग करवा के आया हूँ, लेकिन ये मम्मी मेरा मजाक उड़ा रही है बहुत ज्यादा। सपोर्ट मेरे पापा, गाइस सपोर्ट, वोट करना आपको। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ लुक चेंज होता रहना चाहिए। नहीं पापा, ये लुक अच्छा है, बाकी मुंह उड़ा लेते वो लुक बहुत गंदा है, वो गंदा था, लेकिन ये सही। हाँ। और गाइस मतलब वोट करो, आप टीम मम्मी में हो या टीम पापा में? मैं तो की वाइफ ले रही हूं भाई, ये देख सकते हो, वो तो ठीक है। आप टीम मम्मी में हो के टीम पापा में? टीम पापा में हो के टीम मम्मी में? आप लोग प्लीज वोट करना कमेंट्स में, और जरूर बताना। हाँ जी, दिल किससे टूटा पापा? मम्मी आपको दाढ़ी पसंद नहीं है? देख लो इसके काम, देख लो भाई। मम्मी आपको दाढ़ी पसंद नहीं है? क्यों मम्मी? तभी पापा, तभी अच्छे लग रहे हो। मम्मी को दाढ़ी पसंद नहीं है, ये लोग बताएंगे आप अच्छे लग रहे हो। गाइस वोट करना आप लोगों को पक्का, कि कौन टीम मम्मी में और कौन टीम पापा में है। ठीक है जी, आपको थोर की मम्मी होना ज्यादा अच्छा लगता है हमारी? थोर कन्हे भाई, थोर की है ना बेटी, थोर की अपने बेटे हो। अभी मखाना बना रही हूँ, बाद में क्या होता है, तो मैं बोलना चाह रही हूँ कन्नू देख ले, हमने कोई इज्जत नहीं है भाई अपन दोनों के घर में। मैं तेरे को हमेशा से बात बोलना चाहती हूँ, कोई बोलता था नहीं मानू, हमें प्यार करते हैं, देख ले करती है प्यार तेरे से। बोली थोर का बच्चा, थोर की मम्मी वाला ज्यादा पसंद है मम्मी को। तो नहीं, वो मैंने खुद ही नहीं खाई, भूख लग रही है।